Won't you call me when you get this? Yeah. 도도한 두 눈에 매력적인 입술. 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 하. श्वेता एंड मैं हूँ भोपाल में एंड आज मैं अगेन जा रही हूँ भोपाल दर्शन के लिए, जहाँ पे मैं जा रही हूँ सांची, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सीइंग है एंड बहुत ही सुंदर अच्छा है। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, सांची स्तूपा करके बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग निकले हैं एंड मुझे 1 आवर लग जाएंगे जाते जाते, बिकॉज मेरे घर से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी बज रहे हैं 1, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2-2.5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एंड दिखाती हूँ आपको सांची स्तूप का। रुक रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए, चलिए आपको दिखाती हूँ जल्दी से। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश टूरिस्ट। सो यहाँ से क्रॉस करती है लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, है ना। वहां पे भी मेंशन है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, और एक पॉइंट वो है। तो ये वाइट लाइन है जो शो हो रहा है कि ये क्रॉस करती है 23 डिग्री, है ना। सांची स्टिल 19 किलोमीटर है, तो चले चलिए। भैया सांची, सांची यही है, पीछे है, किस साइड, उधर जाना। हाँ हाँ, ये वाली रोड, ये सीधी रोड जाती है, मेरे को याद है। अच्छा। इधर स्टेशन है, ये वाला स्टेशन है। रोड इज वेरी वेल मेंटेन बिकॉज टूरिज्म बहुत ज्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे नवंबर के एंड ऑफ संडे में ना एक मेला लगता है, काफी बड़ा मेला, जहाँ से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन एंड प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे रोड की कंडीशंस एंड ग्रीनरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड सीनिक बना। और ये हम पहुँच गए हैं पार्किंग एरिया में यहाँ के एंड अपने फाइनली डेस्टिनेशन पे। सो स्कैन एंड पे का ऑप्शन है अभी टू अवॉइड क्यू और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे भी स्कैन करके आप टिकट बाय कर सकते हो। टिकट 35 रुपीज़ की है एंट्री टिकट पर पर्सन। सो हमने पे कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं अंदर। This is the entry gate. और ये आ गए हैं हम अंदर। This is all welcome to Buddhist monument at Sachi World Heritage, maintained by Archaeological Survey of India. Sachi, Sachi, Sachi na. So here is the first look of this stupa and this is the biggest and the main stupa of Sachi and ek stupa ye hai and ek stupa aage hoga shayad।
सो बिल्कुल एंट्री करते हुए आपको बाहर से ही ये बहुत बड़ा सा ह्यूज सा स्तूपा दिखेगा। तो यह है गेट जिसे तोरण गेट भी बोलते हैं एंड यहाँ से ही अंदर जाने का एंड स्तूपा में ऊपर जाने का रास्ता है एंड ऐसे चारों डायरेक्शन में बनाए हुए हैं एंड चारों पे कुछ ना कुछ कलाकृति लाइक पिक्चराइजेशन की हुई है जो कि बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग्स दी थी एंड क्या क्या बताया था वो सारा रिलेटेड है एंड कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ बचे हैं जहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं एंड जो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री रही है वो सारा यहाँ पे पिक्चराइजेशन में किया हुआ है। काफ़ी सारी बुद्धा की मूर्ति हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी, बट बहुत सारी डिस्ट्रॉय पड़ी हैं, नीचे गिरी हुई हैं, तो आई थिंक कुछ तो नेचुरली भी डिस्ट्रॉय हुई होंगी एंड कुछ जब मुगल्स आए थे एंड जब हमारे मंदिर एंड सारी डिवाइन प्लेसेस को तोड़ रहे थे एंड गिरा रहे थे तो उस टाइम भी की हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो यहाँ पे आके आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है एंड देखने में जो अंदर से एक डिवाइन फीलिंग आती है वो डेफिनेटली आएगी, तो डू विजिट वंस। और ये हम जा रहे हैं अब ऊपर, ये स्टेयर्स बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए एंड ऊपर में आप पूरा एक राउंड लगा सकते हो एंड ऊपर से पूरा ओवरऑल व्यू दिखता है सांची का। सो इस स्तूपा के ये चारों साइड ना बाउंड्री की हुई है एंड ये बाउंड्री पे ये कुछ मेंशन था, तो बाद में पूछने पे पता चला कि ये एक्चुअली में उन पर्सन का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसमें दान दिया था। लाइक यहाँ पे ये पर्सन का नाम लिखा है इन पाली लैंग्वेज जिन्होंने पत्थर दान दिए थे ये बनाने के टाइम पे एंड अशोका पीरियड में बना है, मौर्यन एम्पायर पीरियड में, तो जिन लोगों ने दान दिया था पत्थर उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चार द्वार हैं तोरण गेट जिसे बोला था मैंने, यहाँ पे हर तोरण गेट पे कुछ ना कुछ पिक्चराइजेशन की हुई है जो कि बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री को दर्शाती है, तो हर एक द्वार का एक अपना मीनिंग है एंड एक अलग से पिक्चराइजेशन है। लाइक इस किले पर आप देख रहे होंगे अशोका स्तंभ का बना हुआ है, अशोका स्तंभ, अशोका चक्र, जो पहला फर्स्ट नंबर है उसमें बुद्ध के जन्म के बारे में जो पिक्चर्स बनाए गए हैं वो ये दर्शा रहे हैं। दूसरा है उसमें सम्राट अशोक रामग्राम का के स्तूप को खोलने जा रहे हैं और अस्थियां प्राप्त ना होने पर वो पूजा कर रहे हैं। जो तीसरा है उसमें कमल और मालाएं बनाई गई हैं। और जो ये चौथा देख रहे हो आप उसमें ये है कि जब बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था उसके बारे में। कमल और मालाएं बुद्ध द्वार सा मतलब ये घूमने के लिए आपको 2-3 घंटा लगेगा। हाँ, कम से कम एक हाँ, तो फिर उनके हड्डियां लाके रखी। और अशोक और बुद्ध ये दोनों भी समकालीन नहीं थे, इन दोनों में भी 200 साल का अंतर था। हाँ, क्योंकि बुद्ध हुए 5th century BC में। हाँ, और अशोका हुए 3rd century BC में। अच्छा, तो तब तक वो अस्थियाँ कहाँ रहे थे वही मैं आपको बता। सो अंकल की नॉलेजेबल बातें सुनने के बाद मींस अंकल ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन बताया, तो हमें 30 मिनट से ज़्यादा लग गए अंकल की बात सुनते सुनते। उसके बाद हो चुका था 5:00 एंड हमें निकलना था बिकॉज सनसेट होने वाला था। हमने फटाफट हम नीचे गए, लाइक बैक साइड से नीचे जाने का स्टेयर का रास्ता है ये।
तो हम जा रहे हैं फिलहाल जो थर्ड स्तूपा है वो देखने के लिए, जो कि बिल्कुल डाउन में है और भी नीचे। एंड सेकंड वन इज एक बड़ा सा स्टोन का बाउल बना हुआ था जो ऊपर अंकल ने बताया, उसमें ही अशोका के टाइम पे सब लोग उसमें सब घरों से जो भिक्षा मांग के लाते थे एंड देन सब उसमें इकट्ठा करते थे एंड बाद में इक्वल मिक्स करके सर्व करते थे। एंड दिस इज़ दैट बाउल, बाहर से ऐसा दिख रहा है एंड अंदर से क्या फिनिशिंग कट है, आप देख सकते हो इतना राउंड है, इट्स लुकिंग लाइक रियल बाउल। तो अंकल ने बताया था कि इसमें ही मिक्स करते थे एंड देन बाद में सबको इक्वल बांटा जाता था एंड सब बांट के खाते थे। नाउ अब हम जा रहे हैं नीचे थर्ड स्तूपा देखने के लिए। सो इसके लिए भी रास्ता बना हुआ है लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे में। एंड ये है थर्ड एंड लास्ट स्तूपा सांची का एंड ये बिल्कुल सेकेंड स्तूपा जैसा ही बना हुआ है। यहाँ पे भी जैसा मेन स्तूपा में बने हुए हैं फीचर्स वगैरह वैसा कुछ नहीं था, बट यस बस चारों साइड गेट जरूर है एंड बाकी कुछ तो है नहीं, इसलिए आई थिंक यहाँ पे लोग कम आते हैं, थोड़ा नीचे है तो चढ़ने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ता है तो आई थिंक लोग कम आते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था थर्ड स्तूपा यहाँ का एंड ये देखने के बाद हम भी ऊपर आ गए। ऊपर में स्तूपा मेन स्तूपा के लेफ्ट साइड पे ऊपर स्टेज चढ़ के ना एक मंदिर हुआ करता था पहले के टाइम पे, जो कि फिलहाल तो बिल्कुल खंडर हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ बचा नहीं है, जो भी टूटे हुए पार्ट्स हैं वो रखे हुए हैं एंड दैट्स ऑल, और तो कुछ था नहीं अंदर देखने के लिए। बट बहुत अच्छा यहाँ लगा आके एंड सब कुछ देख के एंड जो भी इंफॉर्मेशन दिया अंकल ने एंड जो भी डिटेल बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था देख के। आप देख सकते हो जो भी मंदिर के गिरे हुए पार्ट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मे बी इन फ्यूचर या फिर अगर कुछ हो तो मे बी रेनोवेट करके वापस से बना लिया जाए। सो मेन स्तूपा के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऊपर में ना छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक टी कॉफ़ी स्नैक्स में पैटी क्रीम रोल वगैरह मिल जाएगा एंड यहाँ से एक है व्यू पॉइंट जहाँ से आपको दिखेगा विदिशा। ये जो आपको दिख रहा होगा शहर वो विदिशा। कौन सी की स्क्वेयर कैसे खेल रही है ना, ये देखो ये देखो कुछ खाना मांग रही थी। ओह माय गॉड, आओ आओ पापा जी। अच्छा अच्छा लो लो लो, भागो भागो और लो। हाँ, इसी कैंटीन में एक छोटा सा इन्होंने शॉप भी रखा हुआ है हैंडीक्राफ्ट का, जहाँ पे आपको सारे ये सारे आइटम मिलेंगे तो आप चाहे तो बाय कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा क्यूट सा बुद्धा मॉन्क लिया था
रेडियम मॉन्क एंड ये कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बेचते हैं एंड ये मिल जाते हैं सब जगह, लेकिन जस्ट फॉर अ मेमोरी मैंने से यहाँ पे से एक मॉन्क बाय किया था, क्यूट सा। I'll show you. So, आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो रियली में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो एक बार तो आना डेफिनेटली बनता है यहाँ पे। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है एंड आपको अपना हिस्ट्री जानने में लाइक मेरी तरह आपको कुछ इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बार विजिट करो, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, आई होप आज का ये सांची का टूर एंड सांची का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड ट्रैवल व्लॉग बनाती रहूँगी आपके लिए। चलिए जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू सून एंड हैव अ गुड डे।